है बिहार में इन दिनों ए टू जेड की पार्टी बनने की होड़ मची हुई है। हर कोई सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर साथ लेकर चलने की बात कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बोचहा चुनाव के दौरान कहा था कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है, जिसका फायदा उन्हें खूब मिला और बम्पर सीट के साथ बोचहा पर कब्जा भी किया, जिसके बाद से ही बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। चूंकि अब बीजेपी ये कहते नहीं थकती थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन तेजस्वी यादव की ए टू जेड वाला फॉर्मूला इस पर अब हावी होते जा रहा है, जिस पर अब सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, विधान परिषद का एक चुनाव या उपचुनाव किसी दल पर किसी समाज के भरोसे का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा कि हाल के चुनाव में यदि पार्टी से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और सम्मान देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि ब्राह्मण भूमियार समाज को बीजेपी ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमियार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था, जबकि आरजेडी ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल एक टिकट दिया था। सुशील मोदी का ट्वीट करना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अब उन्हें भी ब्राह्मण भूमियार समाज को फिर से साधने की जरूरत है, क्योंकि बोचहा में बीजेपी को इनसे तगड़ा झटका जो लगा है। तो देखिए, लगातार जब से तेजस्वी यादव ने ए टू जेड की पार्टी का यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति बनाई है और जनता के बीच ये बताने की कोशिश कि अगर आरजेडी अब MY समीकरण पर नहीं, सबका साथ सबका विकास, और इसे लेकर बिहार की